हेलो बच्चों, आप सब लोग अच्छे हैं? चलिए ठीक है। आज हम लोग कक्षा 9 की रसायन विज्ञान में चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ से टॉपिक पढ़ेंगे और उस टॉपिक का नाम है पदार्थ की दो अन्य अवस्थाएं। ठीक है, पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। आप सभी को पता होगी, ठोस, द्रव, गैस, ये 3 अवस्थाएं होती हैं। लेकिन इसके अलावा भी पदार्थ की 2 और अन्य अवस्थाएं भी होती हैं, जिसका नाम है प्लाज्मा अवस्था और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये 2 और भी अन्य अवस्थाएं हैं जिसके आधार पर हमारे पदार्थ की 3 की जगह 5 अवस्थाएं हो जाती हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। जो प्लाज्मा अवस्था होता है या बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्थाएं हैं, ये नॉर्मली नहीं देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से ये हम लोग आमतौर पर नहीं देख पाते। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्लाज्मा अवस्था के बारे में। ठीक, प्लाज्मा अवस्था आखिर है क्या? प्लाज्मा अवस्था वो बनती है, ठीक है, कब बनती है? जब स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन और आवेशित कण आपस में मिलते हैं तो प्लाज्मा अवस्था का निर्माण होता है। कब होता है? जब स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन और आयन आपस में मिलते हैं तब प्लाज्मा अवस्था का निर्माण होता है। बात समझ में आई? जब स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन और आवेशित कण आपस में मिलते हैं या मिश्रण बनाते हैं तो वहां पर प्लाज्मा अवस्था का निर्माण होता है, मतलब वहां पे चमकीला प्लाज्मा बन जाता है। ठीक है, चलिए इसको आप ऐसे समझें, आप लोगों ने देखा होगा फ्लोरोसेंट ट्यूब बल्ब आता है, मतलब पहले आप लोगों ने देखा होगा घरों में बड़ी सी एक रॉड लगी होती थी व्हाइट कलर की, है ना, उसको फिर और मॉड्यूल कर दिया गया तो बड़ी सी जो रॉड हो गई थी वो छोटी रॉड बन गई, मरकरी के रूप में आ गई थी, है ना। वो क्या होता है भैया, उसमें हीलियम गैस भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम गैस। और जब हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये क्या होता था, जो हीलियम गैस होता है ये इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करता था। ठीक, जब इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करता था तो इसमें धनावेशित कणों का निर्माण भी हो जाता था। तो वो इलेक्ट्रॉन और ये धनावेशित कण जब आपस में मिलते थे तो चमकीले प्लाज्मा का निर्माण कर लेते थे। ठीक, और जब चमकीले प्लाज्मा का निर्माण कर लेते थे जिसके कारण ही पूरे कमरे में व्हाइट कलर की रोशनी भर जाती थी। ठीक है, अच्छा, तो हमें समझ में आया क्या कि प्लाज्मा अवस्था का निर्माण कब हुआ? जब हम स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन और आयनों को आपस में मिल गया तो हमें प्लाज्मा अवस्था या प्लाज्मा का निर्माण हो गया। ठीक, इसका एग्जांपल में जैसे नियॉन बल्ब हो गया, कौन सा? नियॉन बल्ब हो गया। नियॉन बल्ब में क्या होता है, नियॉन गैस भरी हुई होती है और जब हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं और आवेशित कण आपस में जैसे ही मिलते हैं तो वहां पर भी क्या होता है, चमकीले प्लाज्मा का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण चमकीले रंग की रोशनी से पूरा कमरा भर जाता है। तो बात समझ में आई, प्लाज्मा अवस्था क्या होती है? प्लाज्मा अवस्था जब मुक्त इलेक्ट्रॉन और आयन आपस में मिलते हैं तो प्लाज्मा अवस्था का निर्माण होता है। ठीक, बात समझ में आ गई। ठीक, अब हम लोग चलते हैं इसके 5वें नंबर में या बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की ओर। ठीक, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है ये 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर के इसकी भविष्यवाणी की थी। वो 2 वैज्ञानिक कौन कौन से हैं? आप लोगों ने बोस देखा है तो ये बोस कौन से हैं? सत्येंद्र नाथ बोस हैं। कौन है? सत्येंद्र नाथ बोस। और जो हमारे आइंस्टीन है वो कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन है ये हमारे? अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक, ये 2 साइंटिस्ट ने भविष्यवाणी की थी। क्या भविष्यवाणी की थी? कि ऐसी गैस या ऐसा गैस जिसका घनत्व सामान्य घनत्व से 1,00,000 गुना कम हो, यदि हम उसे न्यूनतम ताप में ठंडा करते हैं तो वहां पर एक पदार्थ की ऐसी अवस्था उत्पन्न होती है जिसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। मैं इसको राइट कर देता हूं कि क्या जब किसी गैस जिसका घनत्व
सामान्य से 100,000 गुना कम हो उसे कम ताप पर ठंडा करने पर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था प्राप्त होती है। बात समझ में आई? ठीक, इसलिए मैंने इसको राइट भी कर दिया है कि जब किसी गैस, कौन सी गैस जिसका घनत्व सामान्य घनत्व से 100,000 गुना कम हो, ठीक, कितना 100,000 गुना कम हो, यदि हम उसे कम ताप पर, न्यूनतम ताप पर ठंडा करेंगे तो वहां पर क्या होगा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था का निर्माण हो जाएगा। ठीक, या हम यू कहें, इन्होंने बताया था कि बोसॉन गैस को -273 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठंडा करते हैं तब क्या होता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था प्राप्त होती है। आई बात समझ में? ठीक है, ठीक, ये जो अभी मैंने बताने कि सामान्य घनत्व से 100,000 गुना घनत्व कम हो, तो वहां पे कौन सा ले लिया गया, बोसॉन गैस ले लिया गया, क्योंकि इसका जो घनत्व होता है सामान्य गैस के घनत्व से 100,000 गुना घनत्व कम होता है। ठीक है, तो उसने क्या बताया कि बोसॉन गैस के कणों को यदि हम 273, वो भी कौन से, माइनस में, ठीक, -273 डिग्री सेल्सियस ताप पर यदि हम उसको ठंडा करेंगे तो वहां पे हमें बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था प्राप्त हो। ठीक है बेटा, आज के टॉपिक में सिर्फ इतना ही, इसके बाद जब हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे तो वो अगले टॉपिक के साथ होगी। तब तक के लिए बाय।